लाइफ इज ब्यूटिफुल, आपकी ज़िंदगी का हर एक पल बहुत कीमती है। आज हम आपके लिए 2023 17 फरवरी की करंट अफेयर्स लेके आए हैं। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। किसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं सुनील तलाटी, संदीप कुमार, अशोक शर्मा, किरण देसाई। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सुनील तलाटी इसका सही उत्तर है। आइए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI की परिषद ने अपना नया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना 2023-24 के कार्यकाल के लिए। अनिकेत सुनील तलाटी ICAI के अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे, जबकि रंजीत कुमार अग्रवाल लेखा निकाय के उपाध्यक्ष होंगे। ICAI की परिषद के शीर्ष पर तलाटी और अग्रवाल तीन स्तरीय CA परीक्षा आयोजित करने और सभी प्रशासनिक मामलों को देखने के लिए जिम्मेदार होंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई है तो बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर नहीं किया है तो आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किस राज्य के चुनाव आयोग द्वारा मिशन 300 एवं मेरा मत मेरा वैलेंटाइन अभियान प्रारंभ किया गया है? ऑप्शंस हैं ए त्रिपुरा, बी नागालैंड, सी मेघालय, डी पश्चिम बंगाल। सो द राइट आंसर इज सी, मेघालय इसका सही उत्तर है। आइए प्रश्न की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं इसी के साथ। मेघालय में कम मतदान वाले कुछ क्षेत्रों में आज चुनाव आयोग मेरा मत मेरा वैलेंटाइन अभियान का शुभारंभ करेगा। इस जागरूकता अभियान का उद्देश्य युवा मतदाताओं को 27 फरवरी को आगे बढ़कर मतदान के लिए प्रेरित करना है। मेघालय के मुख्य निर्वाचन अधिकारी FR खारकोंगर ने कहा है कि अभियान का थीम है मेरा मत मेरा वैलेंटाइन। अपने राज्य को प्यार करो, अपनी आवाज को प्यार करो, अपने मत को प्यार करो। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं इसी के साथ। किस शहर में वैश्विक विज्ञान और तारामंडल केंद्र स्थापित किया जाएगा? ऑप्शंस दिए हैं हमारे। पहला ऑप्शन है ए लखनऊ उत्तर प्रदेश, गुरुग्राम हरियाणा, कोटा राजस्थान, भोपाल मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कोटा राजस्थान इसका सही उत्तर है। आइए प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। कोटा में साइंस सेंटर और प्लानिटेरियम बनाया जाएगा, इसके लिए नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स NCSM और राजस्थान सरकार के विज्ञान तकनीकी विभाग के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। साइंस सेंटर और प्लानिटेरियम के निर्माण पर करीब 35.25 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके दूसरे चरण में यहां इनोवेशन हब का भी निर्माण होगा। MOU हस्ताक्षर के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद थे। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश भारत की पहली जमी हुई झील मैराथन का मेजबान है? ऑप्शंस नंबर ए है सिक्किम, बी उत्तराखंड, सी है जम्मू कश्मीर, डी लद्दाख। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख इसका सही उत्तर है। आइए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। इंडियाज फर्स्ट फ्रोजन लेक मैराथन इज गोइंग टू बी हेल्ड एट पैंगोंग TSO लेक इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। द इवेंट विल टेक प्लेस एट एन altitude of 13,862 feet and will cover a distance of 21 kilometers. The marathon will start from Lukung and end at Man village. The Indian Army and the Indo-Tibetan
Tibetan Border Police ITBP will supervise the event. This marathon is called Last Run to highlight the issue of climate change. अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है. बॉलीवुड के किस दिग्गज एक्टर का 70 साल की उम्र में निधन हो गया है. ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है हमारा ए फिरोज खान, बी इंद्र कुमार, सी जावेद खान अमरोही, डी निर्मल पांडे. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जावेद खान अमरोही इसका सही उत्तर है. ये प्रश्न की व्याख्या देखते हैं. चक दे इंडिया, अंदाज अपना अपना और लगान जैसी सुपरहिट फिल्मों में अपनी दमदार अदाकारी से लोगों का दिल जीतने वाले दिग्गज एक्टर जावेद खान अमरोही का निधन हो गया. उनका निधन 14 फरवरी 2023 को मुंबई के एक अस्पताल में हुआ. वह 70 साल के थे. उनका निधन लंग फेलियर की वजह से हुआ. फिल्म निर्माता रमेश तलवार जावेद खान अमरोही के निधन की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि जावेद लंबे समय से सांस की बीमारी से पीड़ित थे. आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं. किसने भारत की प्रेसिडेंसी मानने के लिए G20 थीम के साथ एक QR कोड जारी किया है. ऑप्शन है ए पेटीएम, बी गूगल पे, सी SBI बैंक या डी HDFC बैंक. इसका सही उत्तर क्या हो सकता है. पिक्चर देख के पता चल रहा है इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है पेटीएम. आइए प्रश्न की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं फटाक से. चलिए करंट अफेयर्स हर जगह पूछी जाती हैं तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा. In honor of India's G20 presidency and the country's prominence in mobile payments, 197 Communications Ltd, owner of top payments and financial services startup Paytm, unveiled a special G20 themed QR code. Union Minister of Railway and IT Ashwini Vaishnav introduced the QR code at the Digital Payments Fest at India Habitat Center. Payment was a major player in the development of mobile payments in India and is considered the inventor of QR code payments. आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं. किससे हाल ही में यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है. देखते हैं किसे किया गया है. ऑप्शंस हैं ए जिनिथ बेदोया लीमा, एंजेला मार्केल, मोहम्मद अबू जैद, खदीजा इस्लामिया. इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है एंजेला मार्केल. इसका सही उत्तर है एंजेला मार्केल. आइए प्रश्न की व्याख्या देखते हैं. जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल को देश और यूरोपीय भागीदारों के प्रतिरोध के बावजूद जर्मनी में 12 लाख से अधिक प्रवासियों का स्वागत करने के उनके फैसले के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया. जूरी के अध्यक्ष और 2018 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता डेनिस मुकवेगे सहित सभी जूरी सदस्य 2015 में सीरिया, इराक, अफगानिस्तान और इरिट्रिया से 1.2 मिलियन से अधिक शरणार्थियों का स्वागत करने के मर्केल के साहसी निर्णय से प्रभावित होकर उन्हें इस सम्मान के लिए चुना है. आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है. किस राज्य सरकार ने सख्त नकल विरोधी कानून 2023 लागू किया है. ऑप्शंस हैं हमारे, पहला ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी तमिलनाडु, डी राजस्थान. सो द राइट आंसर इज बी उत्तराखंड. इसका सही उत्तर है. आइए प्रश्न की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं. बढ़िया प्रश्न है, आखिरी है. चलिए उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू हो गया है. राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुसूचित साधनों की रोकथाम और रोकथाम के उपाय अध्यादेश 2023 को मंजूरी दे दी है. इसे देखते हुए एंटी कॉपी कानून को देश का सबसे बड़ा नकल विरोधी कानून बताया जा रहा है. फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए. थैंक यू फॉर